नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 16 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मार्च 2023 तक पटना की सड़कों से हट जाएंगी ये बसें। शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ, बिहार में जारी रहेगा टीईटी। उत्तर पूर्व बिहार में सुस्त पड़ा मॉनसून। बिहार के पूर्ववर्ती छात्र अब अपने स्कूलों को दे सकेंगे दान। आईसीसी T20 रैंकिंग में ईशान किशन का धमाल। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मार्च 2023 तक पटना की सड़कों से हट जाएंगी ये बसें। बिहार में प्रदूषण का स्तर बढ़ते ही जा रहा है, इसको ही नियंत्रित करने के लिए अब ये तय किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डीजल वाली बसें सीएनजी वाली बसों में कन्वर्ट होने वाली है। इसको लेकर हाल ही में प्राइवेट बस चालकों को नोटिस भी भेज दिया गया है। वहीं ये लक्ष्य तय किया गया है कि 2023 तक डीजल मुक्त बस चले। इसके मद्देनजर पहली किश्त में 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया गया है। फिलहाल पटना के कदमकुआं इलाके सहित 3 रूटों पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सीएनजी बसों का परिचालन शुरू कर दिया है। आरटीओ का मानना है कि डीजल बसों का परिचालन बंद होने के बाद शहर के AQI लेवल में कमी आएगी। डीजल बस से निकलने वाली कार्बन गैस से लोगों को राहत मिलेगी। बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण छात्रों का प्रदर्शन बिहार में। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है, लेकिन इन सब के बीच गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जो बीएड और डीएलएड उत्तीर्ण है, उन्हीं छात्रों की मांग है कि जब तक बीटीईटी परीक्षा नहीं होती है तब तक शिक्षक बहाली पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। इनके मुताबिक वर्तमान में जो शिक्षक की बहाली हो रही है उसमें धांधली हो रही है। इसका कारण है कि बिना पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए ही बहाली की जा रही है। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार बिना नियमावली के ही नियोजन करवा रही है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि हम लोग बीएड पास छात्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि राज्य सरकार बीटीईटी की परीक्षा पहले ले और उसमें जो लोग उत्तीर्ण हो उन्हें ही शिक्षक बहाली में शामिल किया जाए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हरिद्वार ने निकाली रिक्तियां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल हरिद्वार ने ट्रेड अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 184 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए व्यापार की अगर हम बात करें तो इसमें फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर व्हीकल मैकेनिक, बढ़ई, फाउंड्रीमैन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों का 10वीं पास और प्रासंगिक ट्रेड में ITI में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 21 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट hwr.bhel.com पर जाकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कर दिया साफ, बिहार में जारी रहेगा TET। बिहार में अचानक से ये खबर सामने आई जिसमें ये बताया गया कि बिहार में BTET की परीक्षा को अब बंद कर दिया गया है। हालांकि बाद में सरकार के इस फैसले को लेकर आलोचना होने लगी तो सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि BTET बंद नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अधिकारी के द्वारा जो पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा गया है जिसमें BTET बंद करने की बात कही गई थी, इसके बाद विपक्षी पार्टियों के साथ ही शिक्षक संघ की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्री ने आकर सफाई दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा बंद कराने या नहीं कराने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। रोहतास के मांझरकुंड और धुआंकुंड में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझरकुंड और धुआंकुंड एक जलप्रपात या झरना है जो अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। पहाड़ से गिरते पानी को देखना एक अलग ही रोमांचक एहसास होता है और इसी को देखने एवं प्राकृतिक खूबसूरती का एहसास करने बिहार से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी पर्यटक आते हैं। पर्वत पर काव नदी का पानी एक धारा बनाकर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए मांझरकुंड के जलप्रपात में इकट्ठा होता है। वहीं मांझरकुंड के कुछ दूरी पर 36.5 मीटर की ऊंचाई से गहरी घाटी में गिरने वाले पानी से उठते धुंध को लेकर स्थान को धुआंकुंड का नाम मिल गया है। ये स्थान युवा एवं सभी के बेहतरीन पिकनिक स्पॉट में से एक है। सावन खत्म होने के तुरंत बाद के रविवार को यहाँ लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए सबसे ज्यादा इकट्ठा होती है। उत्तर पूर्व बिहार में सुस्त पड़ा मॉनसून।
बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदला बदला हुआ नजर आ रहा है। गर्मी से बेहाल लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही थी कि बारिश की बूंद बिहार में देखने को मिलने वाली है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 16 जून यानी कि आज से मॉनसून पूरी ताकत के साथ समूचे बिहार में जोर मारने वाला है। इसके लिए ही अनुकूल परिस्थितियां देखी गई है। मौसम विज्ञानियों का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन में पूरे बिहार को मॉनसूनी हवाएं कवर कर लेंगी। मॉनसून के प्रभाव से मंगलवार को भी किशनगंज अररिया में बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्वी बिहार के अधिकतर इलाके में बादल छाए हुए हैं। खुलते ही फिर बंद हुए कई जिलों में स्कूल। बिहार में भीषण गर्मी की मार है। हालांकि मॉनसून का इंतजार तो है ही, लेकिन इसी बीच बीते दिन से बिहार भर के सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया था, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाजा शायद नहीं था कि सुबह के 10:30 बजे ही लू की परिस्थिति देखने को मिलने लगेगी। बीते दिन भी यही नजारा देखने को मिला, जिसके बाद क्या था, कई जिलों में स्कूलों को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। गया और सासाराम में स्कूलों को 19 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं पटना जिला शिक्षा कार्यालय की माने तो 5 से 7% ही स्कूलों में उपस्थिति हुई। उमस भरी गर्मी और लू जैसी स्थिति को देखते हुए अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। गर्मी के कारण 2 दिन पहले ही स्कूल का समय भी बदल दिया गया था। अब बिहार के स्कूलों में चलेगा नशा को ना कहे अभियान। आज के समय में जितनी तेजी से बिहार में सरकार शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगी है, उतनी ही तेजी से युवा पीढ़ी शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करते देखी जा रही है। लेकिन अब इसी बीच बिहार के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खास जागरूकता अभियान की शुरुआत होने वाली है। इसके लिए स्कूलों में जीवन को हाँ कहे नशे को ना कहे अभियान चलाया जाएगा। खबर के अनुसार इस बाबत CBSE ने सभी स्कूलों को पत्र लिखा है। जारी किए गए पत्र के अनुसार नशे से दूर रखने के लिए बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, साथ ही सभी बच्चों को हर दिन नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई जाएगी। शपथ लेने के बाद सभी बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्कूलों में यह अभियान 26 जून तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि इस अभियान में हर स्कूल अपने स्तर से भागीदारी देंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सहयोग से CBSE स्कूलों में यह अभियान चलाया जाएगा। बिहार में कोरोना संक्रमण में नहीं बना अब तक कंटेनमेंट जोन। बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में काम कर रहा है। इस बीच अब बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं बना है और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। राज्य में कोरोना के मामले अपेक्षाकृत कम प्रभावी है। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में उतार चढ़ाव है, ये दूसरे राज्यों की तुलना में बेहद कम है। संक्रमण की दर वर्तमान में स्थिर बनी हुई है, इसमें तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। बिहार कोरोना संक्रमण के मामलों में 17वें स्थान पर बना हुआ है। एक दिन पूर्व बिहार देश में 20वें स्थान पर था। संक्रमण के मामले बढ़ने के बावजूद बिहार शीर्ष 10 राज्यों में शामिल नहीं हुआ है। बिहार के विश्वविद्यालयों को मिली वेतन राशि। शिक्षा विभाग ने राज्य के 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों को सशर्त 3 महीने के वेतन पेंशन की राशि बीते दिन जारी कर दी है। राज्य सरकार के वित्त विभाग से मिली वित्तीय परिनियमों में ढील के बाद शिक्षा विभाग ने 801,71,83,132 रुपए को जारी कर दिया है। हालांकि ये राशि विश्वविद्यालयों के PL खाते में भेजने के पहले विभाग ने ये शर्त भी रख दी है कि 18 महीने पूर्व निर्गत राशि से संबंधित संपूर्ण उपयोगिता सभी विश्वविद्यालय स्वीकृत्यादेश की तारीख से 3 महीने के अंदर निश्चित रूप से देना सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा विभाग के इस पहल के बाद उम्मीद है कि राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मियों को फिलहाल राहत मिलेगी, क्योंकि इसी सप्ताह उनके खाते में मार्च अप्रैल और मई महीने का वेतन पेंशन चला जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे देवेंद्रनाथ शर्मा की। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा हिंदी लेखक और नाटककार थे। वो पटना विश्वविद्यालय एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में हिंदी भाषा का विकास, तुलसी साहित्य, विवेचना और मूल्यांकन, भाषा विज्ञान की भूमिका, प्रणाम की प्रदर्शनी में ललित निबंधन, अलंकार, मुक्तावली, शाहजहां के आंसू, मेरे श्रेष्ठ रंग, एकांकी, नव एकांकी, नदी प्यासी थी, भाषा और भाष्य, भाषा वैज्ञानिक निबंध, अमर भारती और खट्टा मीठा जैसी कृतियों में काम किया है। बिहार में बारिश का ठिकाना नहीं, लेकिन बाढ़ का बढ़ा खतरा।
बिहार में मॉनसून के प्रवेश और नेपाल में बारिश की वजह से उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से सटे तराई इलाके के साथ बागमती नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। बीते दिन की ही बात करें तो सुबह बागमती नदी में अचानक उफान की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस वजह से बेलसंड प्रखंड के चंदौली घाट पर बने बांस के चचरी का पुल नदी में बह गया। चचरी पुल के बह जाने से बेलसंड मीनापुर पथ लाइफलाइन सड़क पर आवागमन ठप हो गया। चचरी बह जाने से मौलानगर, दरियापुर, डुमरा, नुनौर, हंसौर, सिरोपट्टी, बलुआ, तुर्की सहित एक दर्जन गांव का संपर्क भी भंग हो गया है। बारिश से पहले ही जल जमाव को लेकर पटना में अलर्ट। बिहार में मॉनसून की एंट्री कभी भी हो सकती है, इसको लेकर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। मॉनसून के दौरान निगम क्षेत्र में जो भी परेशानियां आती है उससे अब आसानी से निपटा जा सकता है। जल जमाव की सूचना और त्वरित निपटारे के लिए निगम मुख्यालय से लोग नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अब हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर और मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। अब इस बार नगर निगम ने प्रत्येक अंचल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष बनवाने का निर्णय लिया है, जिससे अंचल के लोग बारिश के दौरान जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि पटना की कई सड़कों पर अभी खुदाई का काम चल रहा है, ऐसे में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। एनएच किनारे पेड़ लगाने पर हाईकोर्ट में दर्ज हुई जनहित याचिका। बिहार में पड़ने वाले एनएच के किनारे पेड़ लगाने को लेकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाने का निर्देश जारी किया गया है, जिसके लिए एक जनहित याचिका बीते दिन ही पटना हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिकाकर्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा दायर की गई इस याचिका में उन्होंने कहा है कि ग्रीन हाईवे यानी कि प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस पॉलिसी 2015 को लागू करने की इस नीति को व्यवस्थित किया जा सकेगा। इससे वातावरण के अनुकूल नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा सकेगा और नेशनल हाईवे से होकर गुजरने वाले लोगों को प्राकृतिक छाया और प्रदूषण रहित वातावरण मिलेगा। बिहार के पूर्ववर्ती छात्र अब अपने स्कूलों को दे सकेंगे दान। देश और विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग बिहार के सरकारी स्कूलों को दान और उनकी बेहतरी में दूसरी तरह से योगदान देने के योग्य होंगे। विद्यांजलि पोर्टल 2.0 कार्यक्रम के जरिए योगदान देना अब आसान होगा। नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से विकसित किए गए इस पोर्टल पर बिहार के अभी तक 9,770 स्कूल नामांकित हो चुके हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि जल्दी से जल्दी सभी स्कूलों का पंजीयन इस पोर्टल पर करा दे। विद्यांजलि पोर्टल से जुड़कर कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन विद्यालय की बेहतरी के लिए सुझाव दे सकता है। पटना में स्वास्थ्य सेवा होगी चुस्त। बिहार में स्वास्थ्य सेवा अब और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त होने वाली है। इसके लिए ही पटना जिले में 3 साल से अधिक समय से एक ही जगह तैनात डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का तबादला किया जाएगा। इस पर अब विभाग ने अंतिम निर्णय ले लिया है। पटना जिले में लगभग 85 डॉक्टर और लगभग 515 स्वास्थ्य कर्मियों की सूची तैयार करने का काम हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग के अंदरूनी तौर पर सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, जूनियर्स डॉक्टर, किरानी क्लर्क समेत सभी स्वास्थ्य कर्मियों का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। बताया जा रहा है कि जिले में करीब 85 से अधिक डॉक्टर और करीब 515 कर्मी है जो एक ही स्थान पर 3 साल से अधिक तैनात है। प्रदेश जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन। बीते दिन बिहार जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ का पुनर्गठन हो गया है। जदयू चिकित्सा सेवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर एलबी सिंह ने संगठन के नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया। डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, श्रीनिवास सिंह, डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे, अशोक कुमार सिंह, डॉक्टर कर्नल शंभु सिंह, डॉक्टर प्रणव कुमार, विनोद कुमार जया, डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा, डॉक्टर मुस्तफा कलाम पासा, डॉक्टर सीबी मिश्रा, डॉक्टर रतन गुप्ता, डॉक्टर दीपक कुशवाहा और डॉक्टर संतोष कुशवाहा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान ही जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधान पार्षद प्रोफेसर रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर करने का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। एक वक्त था जब बिहार के कई इलाकों में दूषित पेयजल मिलता था। ममता बनर्जी की बैठक से तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इन दिनों विपक्षी खेमे में काफी गुटबाजियां देखने को मिल रही है, जिसके तहत ही बीते दिन ममता बनर्जी ने विपक्षी खेमे के नेताओं की एक बैठक बुलाई। लेकिन अफसोस, इस बैठक से कई विपक्षी दलों ने ही अपनी दूरी बना ली, जिसमें एक नाम तेजस्वी यादव का भी था। खबर के अनुसार बिहार से राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में तेजस्वी यादव शामिल नहीं हुए।
राजद की तरफ से सांसद मनोज झा बैठक में गए थे। तेजस्वी अभी दिल्ली में ही है। बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला उन्होंने अंतिम समय में किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गहमा गहमी के बीच विपक्षी एकता के लिए ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी 16 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। जदयू का आरोप, नेशनल हेराल्ड मामले का कांग्रेस कर रही है राजनीतिकरण। इन दिनों नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार बुरी तरीके से फंसा हुआ है, जिसके तहत ही लगातार राहुल गांधी से इसी मामले को लेकर पूछताछ भी हो रही है कि अब इसी मामले में जदयू का बयान सामने आया है, जिसके तहत ही जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि देश संविधान से चल रहा है और हर पार्टी को कार्यक्रम करने का अधिकार है। यदि कोई बात सुनी नहीं जा रही है तो न्यायपालिका में जा सकते हैं। जदयू प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से राजनीति की जा रही है। आरसीपी सिंह के पास इस्तीफे के अलावा कोई विकल्प नहीं। बिहार के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह जनता दल यूनाइटेड में लगातार हाशिए पर जा रहे हैं। हाल ही में आरसीपी सिंह के कई समर्थकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं जदयू के संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे इस्तीफे की मांग तक कर दी थी, जिसके बाद ही अब उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट तौर पर फिर से एक बार बीते दिन बयान दिया है और कहा है कि पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुशवाहा ने कहा कि पार्टी लाइन से अलग जाकर जो लोग भी अपनी राय जताएंगे उन्हें कार्रवाई का सामना करना ही होगा। आरसीपी सिंह के राजनीतिक भविष्य को लेकर कुशवाहा अभी भी अपनी पुराने स्टैंड पर कायम है। कुशवाहा ने कहा कि आरसीपी सिंह की राज्यसभा सदस्य आने वाली 7 जुलाई को खत्म हो जाएगी, उसके बाद उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचता है। आज बिहार कांग्रेस राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। गांधी परिवार के खिलाफ ईडी के कार्रवाई पर देशभर में कांग्रेस खेमे में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस बीच ईडी के विरोध में बिहार कांग्रेस आज बिहार के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। इसकी जानकारी बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय लगातार 3rd दिन बुधवार को भी राहुल गांधी से पूछताछ करेगी। पिछले 2 दिनों के दौरान राहुल से ईडी के अधिकारियों ने करीब 18 घंटे पूछताछ की, बावजूद इसके अब तक ईडी के अधिकारी राहुल गांधी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। चिराग पहुंचे राजभवन, राज्यपाल से की मुलाकात। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान बीते दिन राजभवन पहुंचे। चिराग पासवान राज्यपाल फागू चौहान को 10 मांगों से जुड़ा हुआ एक ज्ञापन भी सौंपते देखे गए। इस ज्ञापन में किसानों के हितों का ख्याल रखते हुए कई मांगे रखी गई है। खासतौर पर बिहार में नदियों को जोड़ने की योजना पर किसानों को उचित मूल्य और समय पर खाद उपलब्ध कराने की चर्चा इस ज्ञापन में की गई है। चिराग पासवान ने राज्यपाल से मांग की है कि नदियों को जोड़ने की योजना पर तेजी से काम किया जाए। नदियों की तल में बैठे सिल्ट को निकालने के लिए भी पहल करने की मांग की गई है। साथ ही किसानों को मुफ्त बिजली और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने, किसानों से जुड़ी अन्य समस्याओं के बारे में ज्ञापन के अंदर चर्चा की गई है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। जहांगीर के शासनकाल में गुरु अर्जुन देव को 1606 का लाहौर पाकिस्तान में भयंकर यातना देकर मार डाला गया। IBM कंपनी की स्थापना 1911 को न्यूयॉर्क में हुई। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना 1983 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त मंत्रालय का एक पैनल पेट्रोलियम ईंधनों पर बिक्री कर में कटौती पर 2008 को सहमत हुआ। मशहूर शायर वसीम बरेलवी को प्रथम फिराक गोरखपुरी पुरस्कार 2008 में प्रदान किया गया। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों में से एक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल महमूद अली खान का जन्म 1920 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को हुआ। प्रफुल्ल चंद्र रॉय का निधन 1944 में हुआ, जो भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिन्हें रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ICC T20 रैंकिंग में ईशान का धमाल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीते दिन लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन कर रहे ईशान किशन को T20 रैंकिंग में 68 स्थान का फायदा हुआ है और वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ईशान पहली बार T20 रैंकिंग में टॉप 10 में पहुंच गए हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले ईशान की रैंकिंग 76 थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अब तक खेले गए 3 मैच में ईशान के बल्ले से 164 रन निकले हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट अब टेस्टिंग रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गया है। वहीं वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का दबदबा है। नंबर 1 पर पाक टीम के कप्तान बाबर आजम है। व्हाट्सएप में जल्द आ रहा है एल्बम वाला फीचर।
व्हाट्सएप कथित तौर पर विंडोज बीटा पर ऑटोमेटिक एल्बम फीचर को रोल आउट करने जा रहा है। ये फंक्शनैलिटी जो पहले से ही एंड्रॉइड और iOS के लिए व्हाट्सएप बीटा पर उपलब्ध है, यूजर को चैट विंडो पर भेजे गए लगातार फोटो और वीडियोस को वर्गीकृत करने देगा। जब यूजर लगातार 3 से अधिक तस्वीरें या वीडियोस भेजते हैं वे ये प्राप्त करते हैं तो फिर व्हाट्सएप स्क्रॉल से बचने के लिए उन्हें ऑटोमेटिकली एक एल्बम में ग्रुप कर दिया जाएगा। यूजर एल्बम पर टैप करके पूरा कलेक्शन देख पाएंगे। मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने यूनिवर्सल विंडोज प्लेटफॉर्म वर्जन के जरिए फीचर जारी कर रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है बबीता यादव, गौतम कुमार, कमला अग्रवाल, सूर्या रॉय, गोनार शर्मा, राजीव रंजन, अमन कुमार, सतीश कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, अभिषेक कुमार, कन्हैया सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की सबसे अहम योजना कौन सी है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।